Hello viewers, how are you? I think everyone is fine and doing good. मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल विद्यास क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अब तक हमने टेंस का जो भी पढ़ा है वो सबका निचोड़ आज इस क्लास में होगा, क्योंकि आज टेंस से पहले जो भी पढ़नी थी बारीक से बारीक चीज वो सब आज इस क्लास में करके खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि टेंस में हमने पढ़ा क्या था अब तक। बच्चों, टेंस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये टाइम क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन किया था एक्शन क्या है, फिर बताया था दोनों में रिलेशन क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर पिछले क्लास को आपने मिस कर दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछले वीडियोस को जाकर के बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक कि समझ ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है टोटली इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि ये टाइम यहां क्यों है, एक्शन यहां क्यों है और ये प्लस का साइन यहां क्यों है। जब आपको ये समझ आएगा तभी आपको ये इक्वेशन समझ आएगा। ठीक है, वर्ड इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम एक्शन अलोंग विथ टाइम। इफ देर इज नो टाइम देर इज नो एक्शन, इफ देर इज नो एक्शन देर इज नो वर्ड। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको वर्ब के बाद वर्ब कंपाउंड बताऊंगा। ठीक है, वर्ब कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि बच्चों आप लोग वर्ब से फैमिलियर हो चुके हो और कंपाउंड वर्ड आप इनिशियल क्लासेस में पढ़े होंगे साइंस में। क्या कंपाउंड क्या होता है, जब कभी भी दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलता है तब उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यहां भी कुछ इसी तरह का फंडा है बच्चों। ठीक है, वर्ब कंपाउंड यानी कि दो तरह का वर्ड आपस में मिल रहा है तभी उसको वर्ड कंपाउंड नाम दिया गया है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं क्या होता है। आप फिल्में तो देखते ही हैं, फिल्मों में क्या होता है, एक मेन एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होती है। ठीक है, और मेन एक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग एक्टर होता है। ठीक है, सपोर्टिंग एक्टर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेन एक्टर को सपोर्ट करना। और सपोर्टिंग एक्टर कभी कभी इतना पावरफुल हो जाता है कि वह खुद भी मेन एक्टर का रोल करता है। ठीक है, वही चीज कुछ वर्ब कंपाउंड के साथ है। ठीक है, तो वर्ब कंपाउंड को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या फिल्मों का एग्जांपल दिया था, एक होता है सपोर्टिंग एक्टर, एक होता है मेन एक्टर। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पे वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ठीक है, और मेन वर्ब तो मेन एक्टर है ही। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें मेन वर्ब पढ़ना है तो बच्चों मेन वर्ब तो अनकाउंटेबल है, जितना आप पढ़िएगा जितना आप पढ़िएगा उतना आप जानिएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है लिमिटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। बच्चों, जैसा कि हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन जाना, अब चलिए ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स जानते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अगर हम नंबर ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी को जाने तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 12 होते हैं। ठीक है, देयर आर 12 ऑक्सिलरी वर्ब आउट ऑफ विच 3 आर प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड रेस्ट 9 आर मॉडल ऑक्सिलरी। सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी। बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था सपोर्टिंग एक्टर और मेन एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर का काम क्या है, मेन एक्टर को सपोर्ट करना, हेल्प करना।
ठीक है, कहीं वो डगमगा रहा है तो उसको सपोर्ट करना, ठीक है। उसी तरह प्राइमरी ऑक्सिलरी का भी काम है क्या, मेन वर्ब को सपोर्ट करना, ठीक है। प्राइमरी नाम इसलिए दिया गया है, प्राइमरी नाम इसलिए दिया गया है ताकि वो, क्योंकि वो मेन वर्ब को भी सपोर्ट भी करता है और खुद मेन वर्ब की तरह काम भी करता है, एक्ट भी करता है, ठीक है। कई जगह ऐसे डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ऐसे एग्जांपल मिलेगा जहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहीं मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और कहीं खुद हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो तीन है उसको जानते हैं, उसके बाद फिर हम मॉडल ऑक्सिलरी को जानेंगे। तो चलिए बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी को जानते हैं। हमने पहले क्या जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन जो है वो ये है, पहला बी, दूसरा हैव और तीसरा डू। चलिए बच्चों आप ये तो जानते ही हो, वर्ब है तो उसका प्रेजेंट भी होता है, पास्ट होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले क्लास में बताया हुआ है। उसी तरह बी हेल्पिंग वर्ब भी सही, वर्ब तो है। अब चलिए बी का प्रेजेंट होगा क्या, इज एम आर, और इसका पास्ट अगर हम जानेंगे तो क्या होगा, वॉज और वर। हैव दूसरा है हमारा प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसका प्रेजेंट होता है हैव या हैज। बच्चों हैव कहां यूज होगा, हैज कहां होगा, मैं आने वाले वीडियो में जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगा उस सेशन में मैं ये बताऊंगा कि हैव का यूज कहां होता है और हैज का यूज कहां होता है। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का, ठीक है। हैव का होता है प्रेजेंट हैव और हैज, ठीक है, इसका पास्ट हो जाएगा हैड। फिर आता है हमारा सुपर हिट डू, ठीक है। डू का प्रेजेंट अगर हम देखें तो होता है डू और डज, और इसका पास्ट हो जाएगा डिड। बच्चों जैसे कि मैंने अपने डेफिनेशन में बताया कि प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी उसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे, ठीक है। जैसे कि आप डू को जानते ही हैं, डू का मतलब क्या होता है, काम करना, तो डू डज डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर इन तीनों को हम मेन वर्ब के तौर पर ट्रीट करें तो क्या हो जाएगा, बी वॉज बीन बींग, ठीक है। हैव क्या हो जाएगा, हैव हैज हैड हैविंग हैज। डू का क्या हो जाएगा, डू डज सॉरी डू डिड डन डूइंग डज, ठीक है। अभी आपको लिख के बताता हूं बच्चों, पहले हमने जाना प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रेजेंट और पास्ट जो कि एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा था, ठीक है। अब हम जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का क्या, जब वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। बच्चों थोड़ी देर पहले हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज देखा, ठीक है, उसके टाइप्स देखे, प्रेजेंट का और पास्ट का। अब देखिए अब मैं प्राइमरी वर्ब का ही एज अ मेन वर्ब यूज करना बताता हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था क्या कि वर्ब्स के तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बी, ठीक है, बी का फर्स्ट फॉर्म होगा बी, सेकंड फॉर्म होगा वॉज और वर। बच्चों जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां वॉज यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर यूज होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा उसका बीइंग, कंटीन्यूअस फॉर्म हो जाएगा बीइंग, और सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा इज एम आर। अब चलिए इज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, और आर यूज होगा सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब चलिए अब आता है हैव, ठीक है। हैव को अगर हम हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है पास, आई हैव ए पेन, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो यहां हैव जो है एज मेन वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। जब मेन वर्ब है इसके फॉर्म्स भी होंगे, चलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव होगा हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग, और सिमिलर फॉर्म हैज, ठीक है। फिर डू, डू मेन वर्ब है, तो डू का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू, सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड,
थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, फोर्थ फॉर्म हो सॉरी कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा डूइंग और सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा डज। ठीक ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का ये हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जाना। अब चलिए अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ। ठीक है बच्चों, हमने पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी का जाना, चलिए अब हम मॉडल ऑक्सिलरी को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना कैन। ठीक है, कैन का पास्ट होता है बच्चों कुड, शैल, शैल का पास्ट होता है शुड, विल का पास्ट होता है वुड, मे का पास्ट होता है माइट, नीड का पास्ट नहीं होता है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, डेयर का पास्ट नहीं होता है, मस्ट का पास्ट नहीं होता है, ऑट टू का पास्ट नहीं होता है, यूज टू का पास्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन थे उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमारे नौ है। ठीक है, और ये है कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट नीड डेयर मस्ट ऑट टू और यूज टू। ठीक है, तो बच्चों ये रहा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। बच्चों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी में हमने पढ़ा था तीन प्राइमरी है जो कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही और साथ में वो एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। ठीक है, तो मॉडल एज अ ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो है तो मॉडल ऑक्सिलरी ही, लेकिन इसके कुछ वर्ड जो है कि वो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और वहां इसका मीनिंग बदल जाता है, जैसे कि विल नीड डेयर ये यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसका मैं ये तीन जो है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का कंजुगेशन जो है वो मेन वर्ब की तरह नहीं होता है। ठीक है, उसका सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होता है, किसका, ऑक्सिलरी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का, लेकिन जो मेन वर्ब्स होते हैं उनका कंजुगेशन होता है। वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटीन्यूअस फॉर्म और सिमिलर फॉर्म। बच्चों कंटीन्यूअस फॉर्म और सिमिलर फॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारी डिटेल मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं, अगर आपने क्लास मिस किया है नहीं किया है तो प्लीज आप जाके उन क्लासेस को पूरा देखिए, बार बार देखिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मॉडल वर्ब मैंने बताया था क्या, विल नीड डियर, वो सिर्फ मॉडल वर्ब ही होते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन वो जब ये तीन वर्ड है विल नीड और डियर ये एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब उस तरह का मेन वर्ब नहीं है जैसे कि वो हुआ करता था। ठीक है, अब चलिए विल का अगर हम हिंदी मीनिंग जाने तो क्या होता है, विल का हिंदी मतलब होता है इच्छा करना, चाहत। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट फॉर्म देखे विल, सेकंड फॉर्म विल्ड, थर्ड फॉर्म विल्ड, कंटीन्यूअस फॉर्म विलिंग और सिमिलर फॉर्म हो जाएगा विल्स। उसी तरह नीड एज अ मेन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, उसका मतलब होता है जरूरत होना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। उसी तरह डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना। ठीक है सॉरी हिम्मत करना या साहस करना। ठीक है, डेयर का अगर हम पांचों फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा, डेयर, 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 डेयरिंग, डेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्लास था ये टेंस सीखने से पहले, टेंस के फॉर्म स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक जानकारियां आपको देनी थी, बारीक जानकारियां देनी थी, वो सारे मैं अब तक के सारे क्लास में दे चुका हूं। ठीक है, इस तरह हमारा वर्ब भी कंप्लीट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी आप जान गए। इन हेल्पिंग वर्ब को हम फॉर्म्स ऑफ टेंस में, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तीनों टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्लास जरूरी था। आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बता दिया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बता दिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। इस क्लास में इतना ही तक रखते हैं, बहुत जल्द हम दूसरे सेशन में मिलेंगे, दूसरे क्लास में मिलेंगे। वहां मैं सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको सेंटेंस का।
ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हम शुरू कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं मैंने जो क्लासेस दिया है, जो प्रेजेंट किया है, वो आपको समझ आ रहा होगा। कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।